एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू करी इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइज हमारी। दिस इज इल्पा सरोज। जैसे कि आपको पता है, बिहार माइंस इंस्पेक्टर एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आप हमारे वीडियोस को यानी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे ही टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आने वाले 10 के दिन, यानी कि देखिए आज 30 तारीख हो गया, 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन के पहले ही सारा टॉपिक कवर कर दिया जाएगा, ताकि आप एक बार ये वीडियो जरूर देखे जाए। ओके, हो सकता है इसमें से आप क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे है जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमने वो सारा ही टॉपिक कवर करा है, ठीक है। तो इस देखिए आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी इवेंट्स हुआ हो या जो भी स्ट्रक्चर है, तो वो पहले जो हुआ है ना, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अक्सर ये पहला जरूर पूछता है कि बिहार में पहला कोई सीएम या पहला कोई गवर्नर कौन बना है, या पहला ऐसा कौन पर्सनैलिटी है, तो इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, फटाफट हम जल्दी देख लेंगे इसमें। ओके, जीएस के पहले पोर्शन में आएगा ये, फर्स्ट इन बिहार क्या हुआ पर्सनैलिटी इवेंट स्ट्रक्चर में, वो हम देखेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट एक चीज और, कि अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है बिहार माइंस इंस्पेक्टर के लिए, तो आप जो है इस नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 7084378987, ये व्हाट्सएप पेड ग्रुप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में कोई क्वेरी है, आप लेना चाहते हो, आप परचेस करना चाहते हो, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए सबसे पहला है कि द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सबसे पहली बात कि बिहार का पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। कौन? श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, कृष्ण भगवान से याद रहेगा भैया। पहले चीफ मिनिस्टर बिहार में श्री कृष्णा सिंह थे। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था ब्रिटिश इंडिया का, उस समय फर्स्ट गवर्नर कौन बना था बिहार का? देखिए सर जेम्स डेविड सिफ्टन। और सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो है पहले गवर्नर बने थे बिहार के ब्रिटिश इंडिया के समय। ओके, याद रखिएगा सर जेम्स डेविड सिफ्टन। आगे बढ़ेंगे थर्ड पे, थर्ड पॉइंट हमारा है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? श्री जयराम दास दौलत राम। देखिए यहाँ पे समझिए, जब आपसे बोले कि ब्रिटिश इंडिया के समय फर्स्ट गवर्नर कौन था बिहार का, तब आप लगाओगे सर जेम्स डेविड सिफ्टन। लेकिन जब आपसे सिर्फ यही पूछे कि फर्स्ट गवर्नर कौन था बिहार का, इसका मतलब कि वो इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रहा है, तो यहाँ पे श्री जयराम दास दौलत राम आप लगाओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर है द फर्स्ट मगाधी फिल्म, फर्स्ट मगाधी फिल्म कौन सी थी बिहार की, ये तो भैया, याद रखिए भैया नाम था उसका, 1961 में ये बनाया गया। दूसरा फर्स्ट मैथिली मूवी, तो फर्स्ट मैथिली मूवी यहाँ पे कौन सी थी? कन्यादान। कौन सा? कन्यादान, 1965 में ये बना, याद रखिएगा। आगे देखेंगे द फर्स्ट भोजपुरी टॉकी फिल्म, तो फर्स्ट भोजपुरी टॉकी फिल्म कौन सा था, जिसमें टॉकी मतलब क्या होता है, जिसमें बात दिख रहा है आपको कि वो बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉकी फिल्म। तो देखिए गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाए बोल, यहाँ पे लिखा है 1963 में ये मूवी आई थी, याद रखिएगा कौन सा, गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाए बोल। ओके, सेवंथ देखेंगे पॉइंट, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले, यानी आजादी के पहले, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे पटना हाईकोर्ट के, तो यहाँ पे याद रखिएगा सर जस्टिस एडवर्ड मैनार्ड डेस चांस चैम्बियर, नाम ही इतना बड़ा है इनका कि क्या होता है। देखिए कि इंडिपेंडेंस के पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे पटना हाईकोर्ट के, जाहिर सी बात है कोई भी इंग्लैंड कोई भी ब्रिटिश ही होगा। ओके, सर जस्टिस एडवर्ड मैनार्ड डेस चांस चैम्बियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली वुमन बनी चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की, वो थी जस्टिस रेखा दोषित, याद रखिए जस्टिस रेखा दोषित जो है पहली चीफ वुमन बन गई चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दोनों बता रही हूँ, इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक बार भी देख लोगे ना आपका काम बन जाएगा, बस समझिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहला इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे पटना हाईकोर्ट के आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो पहली वुमन चीफ जस्टिस हो गई, लेकिन जब यहाँ आपके बोले कि फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन था, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा, पंडित लक्ष्मीकांत झा जो है पहले इंडियन चीफ जस्टिस हो गए पटना हाईकोर्ट के आफ्टर इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, द फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाईकोर्ट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड कोर्ट एट पटना हाईकोर्ट एंड इट्स रांची बेंच। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाईकोर्ट, यानी पहली लेडी जज कौन थी पटना हाईकोर्ट की, जिन्होंने क्या होल्ड करा, उन्होंने ये होल्ड करा कि भाई वो पहली वुमन है जिन्होंने पटना हाईकोर्ट के जो कोर्ट था उसको होल्ड करके रखा। ओके, तो और वहां पे उन्होंने रांची बेंच को भी होल्ड करके रखा, तो ये कौन थे, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जो है पहली लेडी जज है पटना हाईकोर्ट की। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, द फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार, देखिए पहली वुमन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो कि बिहार से, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, याद रखिए जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा पहली वुमन जज है सुप्रीम कोर्ट की इंडिया की, यानी कि जो बिहार से आती है, तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन बिहार,
बिहार में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया भाई? तो याद रखिएगा मोइन उल हक स्टेडियम, ठीक है? तो पहले से क्या बोलते थे, राजेंद्र नगर स्टेडियम, जिसका नाम फिर क्या हो गया, मोइन उल हक स्टेडियम। याद रखिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है बिहार का, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ बिहार। देखिए जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ बिहार में वो कब हुआ, तो मार्च 1937, ठीक, कब, मार्च 1937 हुआ पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन बिहार का। देखिए कांग्रेस इमर्ज एज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी हेडेड बाय बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस स्टूड सेकंड। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस फर्स्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड बिकम द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार प्रोविंस। देखिए यहाँ पर समझिए कि देखिए कांग्रेस जो है उसमें लाइम लाइट में आया और वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गया उस समय, जैसे कि आपको पता है कि एनसी यानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। अच्छा, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी जो है वो किसके द्वारा हेड किया जा रहा था, वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है इसको हेड किया जा रहा था, जो कि बैरिस्टर थे। अच्छा, तो ये जो है सेकंड पार्टी था, मतलब कांग्रेस के बाद जो काफी लार्जेस्ट था। उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने सरकार बनाई और वो फर्स्ट प्रीमियर बन गए बिहार प्रोविंस के, ओके, सरकार बनाने वाले। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्या है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो देखिए फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखिएगा कहाँ पे है, बिहार में है। टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन गया यहाँ से, पहला तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिहार में है। दूसरा ये टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के, बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है। कौन सा है ये, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, याद रखिएगा। इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, कौन से रिवर के पास है ये, गंडक रिवर पे, ठीक है, याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर ऑफ आईटीबीपी फ्रॉम बिहार। तो देखिए आईटीबीपी की मतलब इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ की यानी आईटीबीपी की पहली वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर कौन थी, जो कि बिहार से है, तो उनका नाम है प्राकृति, याद रखिएगा, प्राकृति है, उनका नाम प्राकृति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 16 नंबर पे, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार की पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी, जो कि फीमेल थी, बिहार से है, श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक है, श्रीमती राबड़ी देवी जो है पहले चीफ मिनिस्टर बिहार की बनी। राबड़ी देवी कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, आई होप कि आपको इसका पता होगा आंसर, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बिहार से होंगे तो आप बता दोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पे, फर्स्ट वुमन फाइटर स्ट्रीम पायलट इन इंडिया हिस्ट्री। देखिए पहली वुमन फाइटर जो की स्ट्रीम पायलट है इंडिया की हिस्ट्री में, वो कौन है, उनका नाम है भावना कंद। अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुआ था, जब आप पता नहीं न्यूज आप देखते हो कि नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स का ये पार्ट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वो फर्स्ट वुमेन फाइटर इंडियन हिस्ट्री में, जो कि बिहार से हैं, वो कौन है, देखिए भावना कंद, ठीक है, दरभंगा बिहार से ही, याद रखिएगा भावना कंद। दूसरी है अवनी चतुर्वेदी, ये कहाँ से है, सतना मध्य प्रदेश से है, और एक है मोहना सिंह, ये है कतेपुरा इन झुंझुना डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ट्रिक कैसे याद करेंगे इसको, देखिए भावना कंद तो आप याद रखोगे, भावना कंद बिहार से है यानी बीबी, अवनी चतुर्वेदी, अवनी कहाँ से, एमपी से है, और मोहना सिंह कहाँ से है, ये राजस्थान से है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद करो, बीबी ए एम एम आर, ठीक है, तो बीबी यानी भावना कंद बिहार से है, अवनी चतुर्वेदी या मध्य प्रदेश से है, और ये मोहना सिंह ये कहाँ से, राजस्थान से है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो मे बी ये भी पूछ सकता है कि बिहार का है तो बिहार से पूछ सकता है, है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट वुमेन फाइटर स्टीम पायलट है, याद रखिएगा तीन है, ठीक है। तो ये पहली सारी बनी है भावना कंद, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट मुस्लिम लेडी आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। देखिए पहली मुस्लिम लेडी आईपीएस ऑफिसर कौन है इंडिया की, जो कि बिहार से है, तो इनका नाम है गुंचा सानोबर, इनका पूरा नाम है गुंचा सानोबर, जो है पहली मुस्लिम लेडी आईपीएस ऑफिसर है, जो कि बिहार से आती है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहली स्पीकर कौन बनी है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहली स्पीकर कौन बनी है बिहार विधानसभा की इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है पहली स्पीकर है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की इंडिपेंडेंट इंडिया में, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार का पहला एंशियंट यूनिवर्सिटी कौन सा है, सबको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन सा, नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज के समय फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा था बिहार का, पटना यूनिवर्सिटी, कौन सा, पटना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार, पहले यूरोपियन कौन थे जो बिहार में इंटर करे, तो उनका नाम है पुर्तगीज, कौन से, पुर्तगीज जो है ये पहले आए थे, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने बिहार में एंट्री करा, ठीक है, याद रखिए पुर्तगीज। नेक्स्ट फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, तो पहला रिपब्लिक वर्ल्ड का क्या है, वैशाली है बिहार, याद रखिएगा फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड कोई पूछे तो वैशाली बिहार आप लगाओगे, ओके। आगे देखते हैं, द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ बिहार आर मगध एम्पायर। देखिए यहाँ पर डायनेस्टी बता रहा है कौन कौन से, किन्होंने राज करा है बिहार पे, तो मगध एम्पायर ने करा, मगध एम्पायर यानी कि नंदा डायनेस्टी। नेक्स्ट है मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी,
और पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, इसको हर्षवर्धन बोलते हैं, और सूर्य डायनेस्टी, इतने डायनेस्टी ने यहाँ पे बिहार में राज करा, ठीक है, बिहार में इनका शासन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या, बिहार वाज़ अ टेरिटोरियल पार्ट ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार जो है वो टेरिटोरियल पार्ट था मुगल डायनेस्टी का और ईस्ट इंडिया कंपनी का, याद रखिएगा। इतना यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंट आपके लिए जाना जरूरी था, ओके। बिहार से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से पहला आपसे कोई पूछेगा कि पहला सीएम कौन था, पहला गवर्नर कौन था इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के पहले, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल रीजन करके जाना होगा, ठीक है। एक वीडियो देख लो, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से देखते जाओ इसको, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, जल्दी जल्दी आपका क्लास खत्म करने की कोशिश करेंगे, ओके। ज्यादा टाइम ना लेंगे आपका, यहाँ से हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।